What's up guys, welcome back to my channel Aku Vlogs. Hope you guys are doing good. अपना भी सही चल रहा है. तो basically अभी हम निकला है आपका gloves लेने के लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ मेरा left hand का gloves पूरा चला गया है. तो इस condition में मैं मतलब और नहीं चला सकता इस gloves को. And ये condition कोई गिरने विरने से नहीं हुआ है, use करने से हुआ है पूरा. तो वही जा रहा हूँ अभी JC Road. इतनी ट्रैफिक है तो कैसे भी काट कूट के कुछ कुछ कर करके निकालना पड़ेगा अभी हमें, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा यहीं पे ही. तो साथ में हिमांशु भी है, तो उसको भी कुछ काम था अपने बाइक का, तो दोनों अपनी बाइक के काम से आ गए साथ में. एंड जो भी बैंगलोर वाले हैं, JC Road इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. आपको बाइक से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाता है, एंड सस्ते दाम पर मिल जाता है. थिंग इज़ आपको बार्गेन करने आना चाहिए, थोड़ा स्किल्स अच्छा होना चाहिए बार्गेन करने का भी, तो वहाँ पे सस्ते सस्ते मिल जाते हैं. तो दिखाते हैं कहाँ से लेते हैं आज ग्लव्स. तो बस बात ये, 6 महीना चलता है मेरा एक पेयर ग्लव्स, तो इस बार ये ख़त्म हो गया. 6-7 महीना पहले ही लिया था. चाहे मैं कितने भी अच्छे ग्लव्स ले लूँ, मेरा चल नहीं रहा है ग्लव्स. लेदर ग्लव्स लेता नहीं हूँ क्योंकि गर्मी रहती लगती बहुत है. इस बार देखता हूँ क्या करता हूँ. तो देखते हैं वहाँ पे क्या डील अच्छा मिल रहा हो और कौन सा ग्लव्स अच्छा लग रहा है, तो वो लेंगे. एंड आप देख सकते हैं मेरे बाइक में फ़ोन होल्डर लगा हुआ नहीं है, तो इस बार इच्छा भी है फ़ोन होल्डर लगाने का. तो अगर मेरे को अच्छा डील में फ़ोन होल्डर मिल रहा हो तो डेफिनेटली फ़ोन होल्डर विद चार्जर लगाऊँगा इस बार. तो यहाँ भी ट्रैफिक, ये तो ट्रैफिक से इतना परेशान हूँ कुछ कर नहीं सकता. इसलिए इतने टाइम से इसलिए जा भी नहीं पा रहा था क्योंकि ट्रैफिक रहता है, फिर टाइम नहीं मिल रहा था, आफ्टरनून शिफ्ट था, तो फिर ऐसे भी हमें टाइम नहीं मिल रहा था कोई भी चीज़ का. उसका मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, मेरा आफ्टरनून रहता है, तो फिर ये एक प्रॉब्लम हो जाती है. एंड उसके बाद अकेले जाने से भी हो जाता, पर आफ्टरनून 2 से 10 का शिफ्ट था, तो फिर मतलब सुबह जा भी नहीं पाता, उठने उठने में लेट हो जाता है, और भी काम रहता है तो वो सब कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है. जस्ट बिकॉज ये वन वे है तो बहुत कुछ देखना पड़ता है. सो आ गए, तो पहुंच गए हम लोग लोकेशन. डालते हैं पार्किंग में. सो गाइस, अभी बाइक में मेरा फिट हो रहा है आपका फ़ोन होल्डर, तो मैं आपको फ़ोन होल्डर दिखा देता हूँ कि कौन सा फ़ोन होल्डर लिया हूँ. तो JC Road में आया, अभी फ़ोन होल्डर मिला है, ग्लव्स नहीं मिला है मेरे को. एंड मैं ये लिया हूँ आपका आदेश्वर से, इधर आप देख सकते हैं. मैं अभी आया था आदेश्वर इधर पे, तो इधर आके मैंने अभी तक बस फ़ोन होल्डर लिया है. ये फ़ोन होल्डर थोड़ा अच्छा है, 700 रुपये का पड़ रहा है मेरे को. सो आप देख सकते हैं मेरा लाइक मिरर के थ्रू लगने वाला है. सो गाइस मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लग गया है, ये मेरा मिरर वाला फ़ोन होल्डर लग रहा है विथ चार्जर. तो ये है मेरा फ़ोन होल्डर. एंड डिब्बा आपको दिखा देता हूँ. सो डिब्बा है LGP का, इन्होंने बोला कि बहुत अच्छा क्वालिटी का है एंड फास्ट चार्जिंग है, तो फिर मैंने ये लगाया है. तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा अभी. तो आप देख सकते हैं ये फ़ोन होल्डर लगा है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, ड्यूरेबल है. लेट्स सी, चला के फिर अच्छे से बाद में कभी रिव्यू बताऊँगा कि कैसा था. इग्निशन में फिट करेंगे क्या? हाँ, ये इग्निशन में फिट हो रहा है, तो कुछ होगा नहीं ना, इग्निशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना. साथ ही ऑन करने साल होएगा. हाँ ओके,
तो ये उड़ेगा नहीं ना, उड़ेगा नहीं ना ये फिर अगर इग्निशन में लगाता हूँ तो। बहुत लगा दिया अभी तक, ये खराब केस डाल लिया है। नहीं क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कि हमेशा वो लाइट या किसी और से कनेक्ट रहे। सब ऑन करें ऑन होता है, इसके अंदर सुख होता है ऑफ करने के लिए, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं अंदर। ओके तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक स्विच है ऑन ऑफ करने का चार्जिंग का, तो ये चीज़ बहुत अच्छा दिया है इसमें। सो गाइस फिक्सिंग हो चुकी है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑन ऑफ का स्विच है, तो ऑन करने से यहाँ पे लाइट जलती है ब्लू कलर की, ऑफ करने से ऑफ है। तो ये चेक कर लूँगा चलता है कि नहीं चलता है। एंड यही था, फिक्सिंग हो चुका है, अभी ये बस स्क्रू अप कर देंगे सबको। तो अभी बस मेरा फ़ोन होल्डर हो गया, अभी ग्लव्स लेना है फिर निकलना है यहाँ से। सो गाइस अभी मेरा हो गया है आपका फ़ोन होल्डर, आप देख सकते हो फ़ोन होल्डर लगा हुआ, फोन ऑर्डर हो गया। अभी ग्लव्स के लिए जा रहे हैं। लाइक मैं 700 रुपये लेके खुश नहीं हूँ इसके लिए, बट यही था कि क्वालिटी अलग था और इसका जो नीचे वाला जो पार्ट यहाँ पे जो लगा है वो एलॉय और मतलब मिक्सचर ऑफ मल्टीपल मेटल्स है, तो उसने बोला ड्यूरेबल रहेगा ये। तो मैंने ये चीज़ देखी, मेरे को लगा कि हाँ ठीक है यार ले लेते हैं। तो आदेश्वर से ये ले लिया था एंड अभी जा रहे हैं टूअर्ड्स जेसी रोड का मेजर लाइन जहाँ पे फेवरेट शॉप्स हैं। तो यहाँ कहीं से वापस राइट लेना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे वन वेज इतने हैं, हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं वन वेज क्लियर कर करके। तो ये गली में पहले भी गए थे, अब फिर से आए हैं। 20 minutes later सो गाइज मैंने ग्लव्स ले ली, आपको ग्लव्स दिखा देता हूँ। तो ये ग्लव्स मैंने लिया है, ये मेरे को पड़ा 550 रुपये का, बहुत बात बात करके लिया हूँ। लाइक सबको 700 रुपये में बेचते हैं, तो जान पहचान निकाल के मेरे को ये पड़ा 550 रुपये का। एंड बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा है, हवा वावा सब जा रहा है इसमें। तो आई फेल्ट ये ग्लव्स थोड़ा ड्यूरेबल भी लगा मेरे को। एंड प्रो बाइकर ले नहीं रहा था क्योंकि प्रो बाइकर यूज़ कर चुका हूँ और उस टाइप के ग्लव्स वापस लेने का मन नहीं था। तो ये थोड़ा सा सेफ्टी वेफ्टी वाई सब सही है, सिटी राइड के लिए चाहिए था जैसे हवा हवा का मिले, तो इसमें हवा हवा का सब कुछ सही लगा मेरे को। तो फाइनली मैंने ये ग्लव्स लिया। तो अभी निकल रहे हैं वापस, जेसी रोड का काम ख़त्म हो चुका है। तो आज का टोटल खर्चा हुआ आपका 700 रुपये लगा मेरा फ़ोन होल्डर एंड 550 इसका, तो 1250 रुपये। एंड 3-4 स्टीकर लिया हूँ, 150 रुपये का 4 स्टीकर लिया हूँ, तो वो आपको अपकमिंग बाइक में लगा हुआ नहीं तो हेलमेट में कहीं नहीं तो कहीं लगाया हुआ मिलेगा। तो यही था, अब ट्रैफिक देखने से अच्छा अच्छा रहेगा मैं यहीं पे वीडियो क्लोज़ कर लेता हूँ। तो क्लोज़ करते हैं इस वीडियो को, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो, एंड शेयर ज़रूर कर लेना दोस्तों को। कौन से फ़ोन होल्डर्स आपको लगाना चाहिए, बेस्ट फ़ोन होल्डर्स, तो वही मैं आपको लिंक दिखा दिया हूँ, आप देख सकते हो वो वीडियो, तो उससे आपको बहुत आसान रहेगा कौन सा फ़ोन होल्डर लेना चाहिए। सी यू देन, साइनिंग ऑफ आकू व्लॉग्स, बाय बाय चाचा, टेक केयर।